दोस्तों, छोटी छोटी गली और छोटे छोटे मोहल्लों में भी कई बार ऐसे स्वाद छुपे रहते हैं जो हमारी टैगलाइन स्वाद देसी स्वाद जुबा से दिल तक को बिल्कुल 100% उस पर सटीक बैठते हैं। तो दोस्तों आइए मेरे साथ, मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जो बिल्कुल लोगों की नज़रों से काफ़ी दूर है लेकिन स्वाद के चाहने वालों के दिलों में वो बसी हुई है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों बिजनेस का एक ऐसा मॉडल भी होता है जिसमें बिजनेस के साथ साथ सेवा भी छुपी रहती है। ये दुकान इसलिए फेमस है, यहाँ पे आपको 10 रुपये में, 20 रुपये में, 30 रुपये में आपको भरपेट खाना मिल जाएगा। कढ़ी चावल, छोले खस्ता और छोले चावल का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। ज़्यादातर यहाँ आसपास ये राधा विहार का एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी होजरियाँ हैं जिसमें काम करने वाले हमारे भाई यहाँ पर आते हैं। कुछ मजदूर लोग ऐसे होते बेचारे जो घर से अपनी रोटियाँ लेकर आते हैं, वो 10 रुपये तक के छोले यहाँ ले लेते हैं, साथ में छोले खस्ता और कढ़ी चावल का एंजॉय करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आइए, खाते हैं सारी जगह मशहूर कढ़ी चावल, छोले चावल और छोला खस्ता, और मैं आपको खा के आपको बताता हूँ कैसा स्वाद यहाँ पे है और इसका रिव्यू करके आपको बताता हूँ। चलिए मेरे साथ। भाई हमारे साथ हैं, आपका नाम भाई? रोहित। रोहित भाई, आप आते रहते हैं यहाँ पे? डेली आता हूँ। डेली? वाह भाई वाह। तो यहाँ का स्वाद अच्छा है? अच्छा है, बढ़िया। तो ज़्यादा क्या पसंद है आपका? कढ़ी चावल ज़्यादा अच्छा है। छोले? अच्छा, दोनों चीज़ बढ़िया। महेंद्र जी आते रहते हो रेगुलर? हाँ जी रेगुलर। तो ये आपने लगवाई है कढ़ी चावल मिक्स, और मिक्स अच्छा मिक्स आपको अच्छी लगती है। तो वैसे आप कौन से ज़्यादा पसंद है आपको? मिक्स कढ़ी चावल छोले। और स्वाद कैसा है यहाँ का? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई देखो, जैसे कि लोग यहाँ बता ही रहे हैं कि बहुत बढ़िया यहाँ का स्वाद है, तो चलिए भाई हम भी चलते हैं और आगे देखते हैं कि कैसा यहाँ का स्वाद है। खाने के लिए तो भाई काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। ये देखो भीड़, ये लंच टाइम हो गया लोगों का और फेमस लंच करने के लिए लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये देखो तो टाइम अभी काफ़ी लगेगा मुझे लगता है। ये देख ही रहे होंगे कि शंकर भाई कितने बिजी हैं, लेकिन बीच बीच में चलो हम बात भी कर लेते हैं शंकर भाई से। तो शंकर भाई, ये पहले से यहीं पे दुकान आपकी या पहले कहीं और थी? पहले RTO पे लगाते थे हम। RTO पे फादर आपके फादर। कितने साल हो गए लगभग वहाँ? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल? तो फिर यहाँ कब आए आप? यहाँ 2.5 साल हो गए हमको यहाँ पे। 2.5 साल? और मैंने देखा आप 10-20 रुपये में सब मतलब दे देते हो लोगों को ना। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब जो लोग आ रहे हैं, आपका पर्पज ये है कि सबको खाना खिला के ही भेजें। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो भाई कितना अच्छा इनका पर्पज है, 10-20 रुपये में आज लोगों को कढ़ी चावल, छोले चावल अवेलेबल करा रहा है। तो भाई क्या खिलाओगे आज हमें? हम आपको खिलाएंगे खस्ता चावल छोले मिक्स एक प्लेट में। अच्छा, उसके बाद मांगूंगा कढ़ी चावल और दूसरी प्लेट में लगाएंगे भाई कढ़ी चावल। तो ठीक है भाई शंकर, देखो भाई जरा ये खस्ता, क्रंची खस्ता, ये चावल डाल दिए शंकर भाई ने, और ये छोले, ये देखो जी। ये छोले डाल दिए शंकर भाई ने, मूली, अब ये मूली और ये मसाला, ये हो गया जी हमारा खस्ता, छोले चावल की प्लेट तैयार। थोड़ा सा लेमन जूस, अब पास से कढ़ी चावल भी दिखा दो भाई एक बार। ये चावल, ये चावल दिखाओ, और ये दिखाओ भाई कढ़ी पकौड़ा देखो, कढ़ी पकौड़ा, ये मूली डलगी जी, ये मसाला, ये जी कढ़ी चावल। तो जी मैं पहले ट्राई कर रहा हूँ छोले चावल और खस्ता, ये मैं मिक्स कर लेता हूँ। भाई इतने कम पैसों में इतना अच्छा स्वाद दे रहा है, मजा आ गया। खस्ता ट्राई करता हूँ भाई, एक प्लेट लगा दूँगा। बहुत क्रंची खस्ता भाई इसमें, बहुत अच्छा। खाली छोले, ये
बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। लंच का टाइम है अब, कंट्रोल तो मेरे से भी नहीं हो रहा लंच के टाइम पे, तो भाई मैं और खा लेता हूँ थोड़ा सा। कितना अच्छा ऑप्शन दिया भाई शंकर भाई ने। अब मैं ट्राई करूँगा जी मेरे फेवरेट और सबके फेवरेट कढ़ी चावल। भाई कढ़ी चावल तो बस जान बसती है मेरी भी कढ़ी चावल में। वाह बहुत अच्छा टेस्ट है सच में। ये पकौड़ा भी ट्राई कर लेता हूँ एक बार। ये पकौड़ा एकदम मस्त, बहुत मस्त बनाए हुए भाई। आज भी पैकिंग है ना भैया? बट टेस्ट जो है ना, हमारी टैग लाइन स्वाद जुबा से दिल तक बिल्कुल 100% उस पर फिट है। हमारे यहाँ सहारनपुर में गोगा जी महाराज के जो भंडारा होता है उसमें कढ़ी चावल बनते हैं। ये कढ़ी चावल बिल्कुल वही टेस्ट इसमें आ रहा है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसके अंदर आया है। इतना सस्ता और इतना टेस्टी खाना भाई लाजवाब, कड़ी हो रही तुम्हारी बिल्कुल 10/10 इसको मैं दे रहा हूँ शंकर को इस मामले में। बहुत ही अच्छे कढ़ी चावल हैं,